हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं रिया होम सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट के अंदर कौन कौन से एक्सपेयर पार्ट लगे होते हैं। तो दोस्तों, हम आउटडोर यूनिट पर लगे सभी स्क्रू को बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक स्क्रू लगी है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। आउटडोर यूनिट की इस हिस्से में भी एक स्क्रू लगी है, जिसे हम बाहर निकालेंगे। दोस्तों, हमने इस आउटडोर यूनिट की सभी स्क्रू को बाहर निकाल लिए हैं। अब देखते हैं कि इस आउटडोर यूनिट में कौन कौन से एक्सपेयर पार्ट लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लगी है एग्जॉस्ट फैन, और इसके पीछे लगा है एक एग्जॉस्ट की मोटर जो कि इस फैन को चलाएगा। और यहाँ पर देखते हैं, ये है इसकी हीटिंग कॉइल। जब एसी में गैस दौड़ती है इंडोर यूनिट की तरफ से, तब वो ठंडा होता है और ये आउटडोर वाली जो कॉइल है वो हीट होता है। तो इसकी जो हीटिंग होती है उसी को ये एग्जॉस्ट बाहर फेंकता है। और यहाँ पर देखते हैं, ये लगी है डेटन एसी की कंप्रेसर, इसको रोटरी कंप्रेसर बोलते हैं। पहले के समय में एक बड़ी कंप्रेसर आता था, अब ये छोटी छोटी कंप्रेसर आती है जिसको हम रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये लगी है कैपेसिटर जो कि एसी के अंदर लगी कंप्रेसर को पावर देने में, पावरफुल बनाने में काम करता है। यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर दो पिन निकले हुए हैं। इस कैपेसिटर में तीन पिन नहीं है, जिस कैपेसिटर में थ्री पिन होती है उसमें एग्जॉस्ट फैन की भी कैपेसिटर मिक्स होता है। तो इस कैपेसिटर में सिर्फ कंप्रेसर चलाने के लिए ही है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ टू पॉइंट्स निकली हुई है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये लगी है, ये भी एक तरह से कैपेसिटर ही है 2.5 UF का। ये है एग्जॉस्ट फैन मोटर को चलाने के लिए पावरफुल बनाता है। प्रेशर की कैपेसिटर, कंप्रेसर की वायरिंग, ये कंप्लीट वायरिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ नीचे में एक कनेक्टर लगी हुई है, जो कि इंडोर यूनिट की केबल से जब सप्लाई आती है तो इसी कनेक्टर पर फिट होता है, जिससे पूरी आउटडोर यूनिट सिस्टम को पावर मिलती है, जो आउटडोर यूनिट जो है चलने लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो से थोड़ी सी जानकारी मिली हो तो इसे आगे शेयर करना। इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बैल की घंटी को भी दबाना, ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।